हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 5 जुलाई दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना सावन और कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक विदेशी महिला ने राहुल गांधी जी पर बड़ा बयान दिया है। हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी समय समय पर विदेश जाते हैं। उसी दौरान अमेरिका के व्हाइट हाउस में काम करने वाली मेरी बिलमेन का एक कहना है कि मैंने राहुल गांधी के कई स्पीच को सुना है। मुझे यह सोचकर हैरानी होती है कि भारत के लोग राहुल गांधी जी को वोट भी देते हैं। जो अपने ही देश के बारे में अच्छा नहीं बोलता, उसे वोट देने से क्या फ़ायदा। इस प्रकार विदेश की एक महिला ने राहुल गांधी की स्पीच को सुनकर इस प्रकार से कहा है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किए बड़ी घोषणा। घोषणा के तहत संविदा कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन योजना का लाभ। प्रदेश की राजधानी भोपाल में संविदा कर्मचारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों के हित में मैं एक बड़ी घोषणा करता हूं। घोषणा के तहत उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का सबको लाभ दिया जाएगा। वहीं संविदा कर्मियों को 90 नहीं 100% वेतन भी मिलेगा। इसके अलावा संविदा कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी दिया जाएगा। वहीं अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी। इस प्रकार से संविदा कर्मियों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है। दोस्तों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी के बाद उन्हें अब प्रतिमाह 13,000 रुपये दिया जाएगा। वहीं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोतरी के बाद उन्हें अब 5,750 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके अलावा हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1,000 रुपये तथा सहायिका के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि हर वर्ष होगी। दोस्तों, प्रदेश के इन जिलों को मिला है बड़ा तोहफा। तोहफे में छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी और सीधी जिलों के 22 विकास खंडों में न तो सरकारी और न ही निजी आईटीआई हैं। इसके लिए 34,782 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है, ताकि इन जिलों में आईटीआई खुल सके। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को सिंचाई परियोजना की दी है बड़ी सौगात। धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए लगभग 478 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं इसमें सिंचाई का रकबा 15,031 हेक्टेयर है, जिससे धार जिले के 43 गांव को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना लॉन्च की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे भोपाल के रविंद्र भवन से लॉन्च किया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट mmsky.mp.government.in है। आप इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 15 अगस्त 2022 को मैंने घोषणा की थी कि 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी। अब तक प्रदेश में 55,000 भर्तियां की जा चुकी हैं। अब इस 15 अगस्त से पहले 1 लाख से ज़्यादा सरकारी भर्तियां भी हो जाएंगी। इस प्रकार हमने जो घोषणा की है उसको पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी तैयारी है। अब कांग्रेस के बड़े नेता उतरेंगे फील्ड में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ और आक्रामक होने वाली है। पार्टी ने बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने की रणनीति बनाई है। वहीं कांग्रेस ने तय किया है कि प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। वहीं संभाग स्तर पर पार्टी के बड़े नेताओं की सभाएं भी कराई जाएंगी, ताकि जनता को बीजेपी का भ्रष्टाचार पता चल सके। दोस्तों, संविदा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर के तहत संविदा शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव से मांगा है जवाब। जवाब में कहा गया है कि 18 वर्ष के अभ्यर्थियों को भी प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इसके लिए हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को सरकार को निर्देश दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि संविदा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित किए जाने का मामला हाईकोर्ट जबलपुर पहुँच गया। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए 18 वर्ष के याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब भी मांगा है, अर्थात 18 वर्ष की उम्र का उम्मीदवार संविदा शिक्षक के लिए भर्ती हो सकता है। अब इस पर सरकार हाईकोर्ट को क्या जवाब देती है वह देखना होगा। दोस्तों 7 और 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का तूफानी दौरा रहेगा। तूफानी दौरे में वे 4 राज्यों में दर्जन भर कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हफ्ते 4 राज्यों का तूफानी दौरा करने वाले हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों यानी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। वहीं 36 घंटे के इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी 5 बड़े शहरों के कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लगभग 50,000 करोड़ रुपए के मूल्य की करीब 50 परियोजनाओं की सौगात भी इन राज्यों को देंगे, ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके। दोस्तों किसानों के लिए बड़ी खबर है, किसानों के गेहूं खरीदी में की गई है 25 लाख की ठगी। दोस्तों भोपाल के मिश्रोद इलाके में एक युवक ने किसानों के गेहूं खरीदी में धोखाधड़ी की है। आरोपी लंबे समय से किसानों से खरीदी कर रहा था। अप्रैल के महीने में भी किसानों से करीब 25 लाख का गेहूं खरीदा, इसके बाद पेमेंट के लिए टाल मटोल करने लगा। किसानों को लंबे समय तक गेहूं का पैसा नहीं मिलने के बाद जब दबाव बनाया तो आरोपी ने मिलना जुलना बंद कर दिया और फरार हो गया। इसके बाद किसानों ने थाने में आकर ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तब पुलिस जागी और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी कर दी है। तो दोस्तों इस प्रकार से ठगी हो रही है, इसलिए थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।